समूचे देश में वैश्विक महामारी कोरोना की दहशत व्याप्त है। संक्रमित मरीजों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें बीती रात बछरावा कस्बे के दो व्यवसायियों का निधन हो गया। बताते चले कि कस्बे के किराना व्यवसायी रमेश वर्मा उर्फ बबलू वीर प्रकाश और अन्य कई मृत आत्माओं को आज कस्बे में स्थित बाबा माधवदास विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश चौधरी और ट्रेड यूनियन अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा और उनके चित्रपट पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दिवंगत व्यापारियों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर संरक्षक शोभा चौधरी, मनोज कुमार मिश्रा, महामंत्री ट्रेड यूनियन अनु शुक्ला, विजय कुमार, अब्दुल नईम, विजय पाल यादव, नीरज साहू, संजू सिंह, अमित वर्मा, रोहित सोनी, मनोज पांडे, लक्ष्मण मिश्रा, रॉबिन सिंह, रामचरण और भारी संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजेश चौधरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बछरावा। आज इस विद्यालय में किसको श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? हमारे बीच के दो व्यापारी जी, छोटे भाई भी हैं और व्यापारी भी थे, वो आकस्मिक मौत होने के कारण इनको आज हम BMD में बाबा माधवदास विद्यापीठ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कैसे निधन हो गया कुछ बता सकते हैं? ये तो आकस्मिक हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया अचानक कैसे इनका निधन हो गया, सांस रुकी और उसके बाद अचानक मतलब खत्म हो गया जी। भैया परिचय दीजिए प्लीज। मैं अब्दुल नईम, किराना मर्चेंट बछरावा। आज किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आज हमारे बीच वीर प्रकाश जी और आदित्य किराना स्टोर उर्फ बबलू, जो हमारे बीच नहीं रहे और हमारे बीच में काफ़ी दिनों से ये व्यापार करते रहे और इनका साथ हमें मिलता रहा और हम इन लोगों के साथ में, आज हमारे बीच ये न रह करके हमें सबको दुखी कर दिया है। और ऊपर वाला भगवान से प्रार्थना है कि इनके परिवार को सुख शांति प्रदान करें, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हर मामले में कंधा से कंधा मिला करके हम उनके साथ। उनका देवावस्थान कैसे होगा कुछ बता सकते हैं? कोरोना से संबंधित होकर के हुआ है, क्योंकि इनको पहले 2-3 दिन बुखार आया, बुखार आने के बाद खांसी आई और खांसी आने के बाद अचानक ये इनका देहावसान।